दिल्ली से जुड़े ऑनलाइन हमारे राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर विराजमान इस शिवपुरी विधानसभा से लोकप्रिय विधायक और हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, सम्माननीय मंच पर विराजमान शिवपुरी के प्रभारी मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मंत्री श्री सुरेश राठखेड़ा जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय रणवीर रावत जी, सम्माननीय कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी, सम्माननीय हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजू बाथम जी, सम्माननीय मंच और इस सभागार में उपस्थित शिवपुरी जिले के गुना से पधारे हुए, अशोकनगर से पधारे हुए और इस मंच पर उपस्थित और पंडाल में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और इस सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्ति स्वयं सहायता समूह की सभी सम्माननीय बहनों को मेरा चरण वंदन और छोटों को बहुत बहुत प्यार। भाइयों, आज ये शिवपुरी की धरा पर मैं माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आप सभी की तरफ से दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण पर और इस कार्यक्रम के बारे में शायद सब कुछ बता दिया है, पर फिर भी चूंकि मैं आपके द्वारा चुना गया इस क्षेत्र का सांसद हूं, एक साधारण परिवार से जिस पर आप सभी का भरपूर आशीर्वाद रहा और आज आप सबके बीच में एक सांसद के रूप में खड़ा हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस क्षेत्र के बारे में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कुछ बात करूं, क्योंकि ये पहला मौका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में शिवपुरी में उपस्थित हूं। भाइयों, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जितनी संवेदनशीलता दिखाई है इस कोविड काल में, वो किसी से छुपी नहीं है। जब से इन्होंने, वैसे तो मैं ये कहूं कि जब से इन्होंने मध्य प्रदेश की कमान संभाली, तब से इस मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में दिन रात मेहनत की है। पूरी लगन और ईमानदारी से और निष्ठा से दिन रात मेहनत की कि कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, कैसे गरीब से गरीब लोगों के जीवन के स्तर में सुधार लाया जा सके। भाइयों, अंत्योदय की भावना को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी निरंतर चली है और चाहे हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात करें और चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बात करें, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले और हमें नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, दीन दुखियों का दिन रात चिंता की और इनके जीवन में कैसे खुशहाली लाई जा सके इस पर दिन रात काम किया और जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। भाइयों, अभी हमारी किशोरी बहन ने और कुछ बहनों ने अपने अनुभव आपके सामने शेयर किए, कुछ हमारी बहनों ने गीत गाकर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बताया। भाइयों, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यहाँ बैठी हर एक बहन, जितनी यहाँ पर बहनें बैठी हैं, आप महान हैं, आप इस देश की माटी में जन्मी हैं, आप जो सोच लेंगी निश्चित ही आप वो पालेंगी। और इसी के साथ मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से क्षेत्र के बारे में, शिवपुरी के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। माननीय, शिवपुरी क्षेत्र में मेरा लगातार आना होता रहता है। कोविड काल में आपने पूरे प्रदेश में सही समय पर सही निर्णय लिए और किस तरह से हमारी रक्षा की जा सकती थी, किस तरह से लोगों को स्वस्थ रखा जा सकता, आपने भरपूर प्रयास किया। ऑक्सीजन की जहां कमी आई आपने ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए, ऑक्सीजन जहां से भी अवेलेबल हो सकी, चाहे वायु मार्ग से मंगानी पड़ी हो तो आपने ऑक्सीजन भेजी, कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगवाए, जो व्यवस्था हो सकती थी आपने वो सारी व्यवस्थाएं की। पर माननीय, मैं आपसे शिवपुरी के बारे में सिर्फ दो तीन मांगे रखना चाहूंगा।
माननीय हमारी शिवपुरी नगरी एक पर्यटन नगरी है, एक बहुत ही सुंदर नगरी है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अगर टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ कुछ किया जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जैसा कि अभी हमारी बहनों ने यहाँ पर कई स्टॉल लगा रखे थे, वाकई यहाँ पर जैकेट बहुत अच्छी से बनाई जाती है भद्रवास में। यहाँ की मूंगफली बहुत ही उपजाऊ है, यहाँ का टमाटर बहुत अच्छा है। तो अगर कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर इस क्षेत्र में आती है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और अगर टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है तो मेरे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। माननीय इसके साथ साथ शिवपुरी क्षेत्र में बहुत आया मात्रा में फॉरेस्ट एरिया है, वन विभाग के क्षेत्र आता है। तो माननीय अगर कोई ऐसे औषधीय प्लांटों के बारे में या कोई आयुर्वेदिक प्लांट्स के बारे में यहाँ कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर डलती है तो इस क्षेत्र में वाकई रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। माननीय इसके साथ साथ मैं आपसे बस एक ही अनुरोध करूंगा कि आपका आशीर्वाद इस क्षेत्र पर सदा बना रहे। जिस तरह से अम्मा महाराज जो कि भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य थी, उनका सदा स्नेह प्यार आशीर्वाद इस क्षेत्र को सदा मिलता रहा, उसी तरह हमारी मध्य प्रदेश की मंत्री यशोधरा जी का भी हमें भरपूर आशीर्वाद और स्नेह प्यार इस क्षेत्र को इसी तरह सदा मिलता रहे, ताकि शिवपुरी भी ना सिर्फ प्रदेश के नक्शे में बल्कि भारत के नक्शे पर चमके। माननीय यहाँ टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, फूड प्रोसेसिंग की बहुत संभावनाएं हैं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री केपी सिंह जी।